भैया बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं हम, बहुत ऊपर जा चुके हैं। चलो निकलते हैं। कहाँ? ये रास्ते में बताता हूँ। आपका लुक ऐसा लग रहा है मुसाफिर नहीं होता, मुसाफिर मुसाफिर वाला लुक दे रखा है नाज। और कैसे हो? बस फुल पावर में हो ना, मतलब पावर में रहता हूँ मैं तो। पता है चाय नहीं, लेट नहीं हो रहा तुम? लेट नहीं हो ना? चाय बनाता हूँ यार, बढ़िया वाली स्पेशल चाय। चलो जब आप पी के देखना बस। अच्छा। आप पीते नहीं हो ना चाय? भाई क्या बोल रहा है? कह रहा यार जब तुम इधर को फेस करें यार, मेरा सोचा लड़की खड़ी हुई है यार। तो भैया फिर आ गया हूँ मचाने, और लुक कैसा लग रहा है भाई? देसी लुक है मेरा, देसी लुक। आज मैं कहाँ आया हूँ और क्या करने वाला हूँ ये थोड़ा सस्पेंस वाला है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वीडियो में आ रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा था अंदर से कि नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। 10 से 15 दिन हो चुके हैं तो आज मैं मचाने वाला हूँ। चलो अभी शुरू करते हैं कहानी क्या है। मुझसे ना हो पाएगा भाई। भैया बहुत दिन तक ट्राई करना पड़ेगा तब जाके आएगा। हाँ ये आ जाओ। अबे अच्छा ये चालू है। तो भैया जी मैं तो बता के थक गया था कि बो भाई का सूट है, बो भाई का सूट है। बट बो भाई के सूट के साथ हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। आज है 25 दिसंबर। यस सर। वैसे तो 24 है, हम 24 में सूट कर रहे हैं बट इसको हम वीडियो को 25 में डालें, 25 दिसंबर में क्रिसमस में, तो इसीलिए। और आप देख सकते हो लोकेशन, हम कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं, कुछ भी एक गाड़ी डैमेज पड़ी हुई है उसके लिए एक सूट कर रहे हैं। और बो भाई की वीडियो अभी नहीं आई है, ये शायद 1 जनवरी में डाले, शायद, पक्का नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर ही रुके हुए थे, मेरे पास कोई डेट नहीं थी फ्री। और अभी मैं खाली हूँ और भाई साहब हमारा वेट कर रहे हैं। आज हमें गाड़ी हायर करनी पड़ी है बाहर से, क्योंकि हमारी जो दोस्त की गाड़ी है वो बाइक गया हुआ है कहीं, तो हम डिले नहीं करना चाहते थे सूट को। तो अभी मैं आपको जहाँ पर लेकर जा रहा हूँ क्रिसमस के लिए, बस बने रहो, बताता हूँ कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो भैया जी एक काम की बात बताते हैं आपको, आपके काम की बात। तो भैया जी हमारे साथ में रावत जी है, आपको उत्तराखंड में कहीं भी किसी भी जगह घूमना है तो भैया का कॉन्टैक्ट नंबर हम मेंशन कर देंगे लिंक में नीचे, और आप जाके कॉल करो उन्हें। कहीं भी उत्तराखंड में, मतलब ऋषिकेश, देहरादून, कहीं भी घूमना है तो आप कॉल कर सकते हैं। और अभी हमें आपको देख के लग रहा होगा, ये मुझे देख के ना बिल्कुल हॉरर फिल्म वाली फील दे रही है गुड़िया ना। तो रावत जी आप कहाँ कहाँ घूमे हो, मतलब गाड़ी लेके कहाँ कहाँ तक गए हो? केदारनाथ और चारों धाम गए हुए आप? ऑल उत्तराखंड। अच्छा सब जगह घूमा। तो अभी बद्रीनाथ के तो कपाट बंद है ना? आप बंद हो गए सारे। और केदारनाथ भी बंद है। तो फिलहाल जाने के लिए सही जगह क्या है? वही है ओली चोपता। ओली चोपता हो गया बद्रीनाथ। तो 1 जनवरी के लिए तो पहले ही बुक हो गए ना तुम? हाँ। 1 जनवरी 31 दिसंबर 31 को है मेरी वहाँ की काकी जोशीमठ की बुकिंग। अच्छा जोशीमठ जाओगे आप, बढ़िया, तो सही है, मतलब मजे में घूमते रहते हो तुम फ्री में ही, एंकर क्लाइंट को लेके फुल एंजॉय करते रहते हैं। भाई जी ड्राइवर और फोटोग्राफर दोनों की लाइफ एक जैसी है, घूमना और थकना। शिमला 15 तारीख को शिमला जा रहे हो? बहुत बढ़िया। तो हमारा जो सूट था वो भाई के साथ में, हमारा एक फ्रेंड है जिसके पास कार है, हमारे पास कार नहीं अभी, तो उनके साथ आना था बट वो थोड़ा बिजी थे कहीं पे, तो हमने रावत जी को फ़ोन किया, ये हमें लेने आए घर पे। और एक सूट था गोली देंगे यार, भाई देखेगा वीडियो देख सकता है भाई, कोई बात नहीं देखने दो भाई।
ठीक है कोई नहीं, तो टाइम टाइम की बात है भाई, गोली दे दी भाई ने। और देख सकते हो आप पहाड़, पहाड़ क्या मस्त लग रहा है। और मुझे बार बार जब मैं इधर देखता हूँ ना, मुझे हॉरर वाली गुड़िया की और अपने महादेव जी का डमरू लगा हुआ है साथ में, क्या उस समय। तो भैया जी यहाँ पे एक राजीव गांधी स्टेडियम है जहाँ भी लास्ट टाइम मैच हुआ था, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इरफान पठान, मतलब लेजेंड वाला, जो लेजेंड वाला मैच है यहाँ पे हुआ था, शायद बांग्लादेश के साथ था वो, तो यहीं पे है वो स्टेडियम। वो स्टेडियम से थोड़े से पहले सुनील शेट्टी ने ज़मीन ली हुई है, कम से कम 4-5 बीघे, जिसमें पता नहीं क्या बनाने वाले, बंजर पड़ी हुई है, जो सब बोलते हैं कि सुनील शेट्टी की ज़मीन है, झूठ नहीं है, सच है वो। बस स्टेडियम पहुँचने वाले हैं वैसे। तो भैया जी ये है सुनील शेट्टी की ज़मीन जो पड़ी हुई है बहुत सारी, और ये स्टेडियम है। और मुझे लग रहा है आज कोई मैच वैच है या कुछ है आज, नहीं नहीं रैली वैली निकल रही है कोई, हाँ कोई कोई वो हो रही है रैली वगैरह, हाँ तो तभी तो राजीव गांधी है स्टेडियम का नाम। ये स्टेडियम के बाहर कुछ चल रहा था, मतलब कुछ रैली वगैरह निकल रही थी कांग्रेस की, अभी हम स्टेडियम से आगे निकल चुके हैं। अभी हम देहरादून में पहुंच चुके हैं और ये देख रहे होंगे आप लाइन से बनी हुई है जो दुकानें, ये सब लाइन से बनी हुई है, और बीच में एक टेंपल है। और इस मार्केट का नाम है तिब्बती मार्केट, तिब्बती मार्केट। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे, मतलब हर तरह के सर्दी के, और देख भी रहे होंगे आप कोट वगैरह टंगे हुए हैं, तो यहाँ पर तिब्बती लोग रहते हैं ज़्यादातर, और ये तिब्बती मार्केट है, यहाँ पर बहुत कुछ मतलब औसम तरीके के कपड़े हैं रिजनेबल रेट पर। भाई जी समझ में नहीं आ रहा कि नगर नहीं शिमला बाईपास से आते हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो भैया मैंने। अरे भाई आसाम आ गए शायद हम, ये देखो ना पूरा चाय का बगान है ये, दूर तक बहुत दूर तक प्रेमनगर तक है ये, और ये बसंत विहार है यहाँ पे, पूरा दूर तक ये वही है चाय का बगान। मुझे तो पता ही नहीं था भाई देहरादून में चाय लगी हुई है। एक्चुअली हम खुद नहीं जा रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं जो स्कूटी पर जा रहे हैं भैया, ये आर के ने की है फोटोग्राफर है यहाँ पे ऋषि के इसमें सॉरी देहरादून में, और इनके साथ में कोलैब करना है वो भाई को, तो इसलिए हम थोड़ा सा इनके समय देने के लिए आए हैं इनके पास, देखना ये और देखना कि मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अलग बंदे हैं भाई, क्रिएटिव है, यंग है, तो देखते हैं क्या करते हैं भाई ये लोग, कहीं अच्छी सी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं कहीं अलग ही, बने रहो आप वीडियो में। भाई अब डर लग रहा है, सच में अब डर लग रहा है, अब नहीं समझ में आ रहा है कहाँ लेके जा रहे हैं भाई। यार पता नहीं आप लोगों को दिख रही नहीं दिख रही लोमड़ी, दिख रही है श्याल है, श्याल श्याल। मुझे यार दूसरे कैमरे से लेना चाहिए, गोप्रो तो थोड़ा वाइड रहता है। ले कहाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ पे जाना है, इस लोकेशन को ढूंढ रहे थे हम काफ़ी देर से, और ये हमारा कुछ सामान है। ये चेयर निकाल दे यार, तुमने सही निकाली थी उस समय, कैसे निकाल रहे हो निकल के। ये स्केटबोर्ड अंदर रख, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हीरो बनने के लिए भाई, स्टार्टिंग यहीं से होती है, अपने आप उठाना, और जब सब पैसे वैसे ठीक ठाक होते हैं ना तब असिस्टेंट को बोल जाते हैं लोग अब इनके पास, पर ये इनके पास अभी कोई असिस्टेंट नहीं है, स्ट्रगल चल रहा है, मेहनत चल रही है, और लोकेशन कुछ ऐसी है। और भाई क्या मज़ा आ गया देख के यार, ये चाहिए जो धूप आई हुई है अभी ना, वाह ये नाइस। तो भैया जी ये लोकेशन अंग्रेजों के टाइम से है, आप देख रहे हो ना कितना कूल लग रहा है ये,
मतलब आप शायद ना समझ पाओ बट फोटोग्राफर एकदम समझ जाएगा कि क्या ये वीडियोग्राफर जो यहाँ पे धूप का सीन बन रहा है। और अंग्रेज चले गए उसके बाद में लोगों ने यहाँ पे गाय भैंस वगैरह बांधना शुरू कर दिया, बट अब आजकल शूट होते हैं यहाँ पे वीडियो शूट। और भाई का चेंजिंग रूम इधर है। और ये भैया है हमारे साथ में जिनके साथ में कोलैब हो रहा है आरके नेगी। और ये भैया आप इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हो ना, देहरादून के भाई है, बहुत अच्छे फोटोशूट करते हैं। और बाकी आज पता चल जाएगा देख के, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज हमें। और ये भैया मेंबर हैं उनकी टीम के, बहुत बढ़िया लगा इनसे मिल के। अभी शूट करते हैं उसके बाद में मिलते हैं आपसे, तब तक आप देखो स्पीड से शूट। पैकअप हो चुका है, सीन यहाँ का ख़त्म हो चुका है। अभी थोड़ा सामान वहाँ लगता है गाड़ी में, और हमारे रावत जी बैठे हुए हैं गाड़ी में, खिड़की खोल खोल के देख रहे हैं उधर से कि भाई कितनी देर मारे कितनी देर मारे। एक्चुअली यहाँ से अभी हमें जो इसकी बात हुई थी वहाँ पे जाना है पैसे देखने। भाई ने जान ले ली मेरी, ये शूट कर दो वो शूट कर दो, हालत खराब हो रखी है भाई। तो भैया पैसिफिक आ चुके हैं हम, पैसिफिक मॉल। और इन्होंने क्रिसमस के लिए इतना अच्छा पिछली बार से भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। मैं तो पहले आया था तो तब बहुत छोटा सा बनाया हुआ था इन्होंने क्रिसमस, अच्छा डेकोरेट किया हुआ है पूरे मॉल को। मैं आया हूँ मैं आया हूँ पहले। हाँ भैया ये कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा, बाकी डेकोरेट भी किया हुआ है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूँ पैसिफिक मॉल में अगर आप आओगे हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, कपड़े खाने को वाने को सब कुछ मिल जाएगी बहुत बुरी तरह। बाकी लोग यहाँ पे फोटो शूट वगैरह भी कर रहे हैं, फोटोग्राफ वगैरह भी ले रहे हैं देख सकते हैं आप। और कैमरा लाना अलाउ नहीं है यहाँ पे, बट इनको शायद ना पता हो कि मैं गोप्रो ले रहा हूँ, मोबाइल से आप कर सकते हो आगे शूट यहाँ पे। चलो यहाँ पे तुम्हें सारे शोरूम मिल जाएंगे नाइकी आराम से भाई देख के, एडिडास, जोकी, एवरीथिंग ऊपर सारे ऐसे ही है, वुडलैंड स्केचर्स एक्सट्रीबी सारे हैं भाई। साथ में आ जाओ भाई, चलती है ये, चलती है, चढ़ने की जरूरत नहीं है। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, पूरा फुल एंजॉय, मज़ा आ रहा है बहुत सुख के साथ साथ। बहुत ऊपर पहुँच गए हैं भाई, बहुत ऊपर, और एक दिन ऐसे ऊपर जाना है हमें। भैया बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं हम, बहुत ऊपर जा चुके हैं, और डेकोरेशन वगैरह सब अच्छे हैं इनका। मतलब एक वो है जैसे ऊपर इन्होंने अभी खाने का बनाया है सारा, टोटल खाने का यहाँ पे, फास्ट फूड वगैरह, बर्गर किंग, वाव, अमृतसरी, मतलब बहुत सारे। ये भी है क्या बोलते हैं बिकनेर वाला भी है, और नीचे इन्होंने बनाया हुआ है एक साइड में कपड़ों का, जिसमें आप पहनने वाले कपड़े और ओढ़ने वे बिछाने वाले अलग हैं, तो ये सब बनाए हुए हैं इन्होंने बहुत अच्छे। पैसे भी मॉडल और इनका सिनेमा घर भी है इसी में यहाँ पे।
है तुम्हारे पास। थैंक यू। 300 और कितना चल रहा है अभी? हमारा ऑर्डर नंबर 300 है और अभी चल रहा है वहाँ पे 232 से कुछ चल रहा है। 300 आने में अभी टाइम लगेगा, तब तक देख सकते हो आप भीड़ भाड़ कितनी अच्छी खासी है यहाँ पे, लोग बैठे हुए खाने वाले। चल ठीक है, अभी करता थोड़ी देर में। भैया हमने दो बर्गर लिया है बर्गर किंग से, बैठे हैं हम डोमिनोज पे, यानी कि सबका पेयर है सबकी चेयर, और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है थोड़ा फ्रेंड भाई। ये 280 में पड़ा है ना दो बर्गर, ये वेज ही है, ये वेज है, ये नॉन वेज है। चलो भाई नॉन वेज खा लेते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाते। फर्स्ट टाइम पीने वाले हम 300 रुपये की कॉफ़ी, 300-350 रुपये की फर्स्ट टाइम पी रहा हूँ मैं, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं, 350 रुपये की कॉफ़ी फर्स्ट टाइम, अभी देखते हैं कैसे आती है। देखो भैया पैसे भी घूम के आ चुके हैं और भाई सामने है HM, इसमें जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। और भाई जी बहुत दिन के बाद बता रहे बहुत दिन के बाद व्लॉग में आया हूँ, और चेहरा देख रहे होंगे यार इतना नूर नहीं है चेहरे पे, तो थोड़े सब्सक्राइब बढ़ाओ, थोड़े लाइक करो यार, शेयर कर देख लो वीडियो को, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, मोटिवेट हो जाऊँगा थोड़ा वीडियो को यार, कर दो भाई जी प्लीज़ शेयर वेयर। तो भैया जी इस व्लॉग को यहीं तक रखता हूँ, और आपको हैप्पी क्रिसमस डे, 1 जनवरी को मिलता हूँ फिर आपसे नए व्लॉग के साथ में नए साल में, और देखते हैं कुछ नया लेके आऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।